हेलो एवरीवन, आज के इस लेक्चर में हम बात करेंगे मैमल्स के अंदर हार्ट और एरोटिक सिस्टम की। मैमल्स में हार्ट और एरोटिक सिस्टम की हम बात करेंगे। एरोटिक सिस्टम, मैमल्स के अंदर हार्ट और एरोटिक सिस्टम जो होता है, तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम बात करते हैं हार्ट की। तो ये कैसा होता है? कंप्लीट फोर चैम्बर होता है। कैसा होता है? कंप्लीट फोर चैम्बर होता है। मैमल्स के अंदर हमें किसके अंदर पढ़ना है? मैमल्स के अंदर हमें पढ़ना है रैबिट के अंदर। किसके अंदर पढ़ना है? रैबिट के अंदर हार्ट और एरोटिक सिस्टम को पढ़ना है। तो हम देखते हैं कि मैमल्स के अंदर जो कंप्लीट फोर चैम्बर हार्ट होता है, हमने देखा था कि एवीज के अंदर बाहर से एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के फॉर्म में देखने पर हमें वो कंप्लीट फोर चैम्बर नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन अगर हम मैमल्स की बात करें, तो अगर हम इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की भी बात करें, अगर मतलब हार्ट को हम नॉर्मली भी बाहर से भी देखेंगे, तो भी हमें कंप्लीट फोर चैम्बर दिखाई देंगे। हमें चारों के चारों चैम्बर जो होंगे वो अलग अलग दिखाई देंगे। हार्ट की अगर हम पोजिशन की बात करें, किसकी बात करें? हार्ट की अगर हम पोजीशन की बात करें, तो ये कहाँ पर पाया जाता है? ये थोरेक्स में, थोरेसिक रीजन में पाया जाता है। कहाँ पर पाया जाएगा? थोरेसिक रीजन में ये पाया जाता है, जो दोनों लंग्स होते हैं, दोनों लंग्स के बीच में, बिटवीन बोथ लंग्स। ठीक है, जो दोनों लंग्स होते हैं, उन दोनों लंग्स के बीच में ये पाया जाता है। उसके बाद में हम देखते हैं कि अगर इसके स्ट्रक्चर की बात करें, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो स्ट्रक्चर इसकी कैसी होती है? ये ट्रायंगल शेप का होता है। कैसा होता है? ट्रायंगुलर हार्ट हमें देखने को मिलता है, ट्रायंगुलर होता है। साथ ही साथ ये कैसा होगा? ये पिंक कलर का होता है, लाइट पिंक कलर का। हमारा हार्ट जो होता है वो कैसा होता है? लाइट पिंक कलर का होता है, मस्कुलर होता है। कैसा होगा? मस्कुलर होगा। और ये किससे बना होता है? एम्ब्रियो की मीजोडर्मल लेयर से बना होता है, फॉर्म फ्रॉम मीजोडर्मल लेयर। जो मीजोडर्मल लेयर होती है वो हार्ट को बनाती है। ठीक है, मीजोडर्मल लेयर से ये बना हुआ होता है। ठीक है, हार्ट के चारों ओर कवरिंग पाई जाती है। ठीक है, क्या पाई जाएगी? हार्ट के चारों ओर कवरिंग पाई जाती है। उस कवरिंग को हम क्या नाम देते हैं? पेरिकार्डियम। ये हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, हार्ट के चारों ओर जो कवरिंग होती है उसको हमने पेरिकार्डियम नाम दिया है। ठीक है, ये कैसा होता है? पेरिकार्डियम जो होता है ये ट्रांसपेरेंट होता है। कैसा होगा? ट्रांसपेरेंट होता है, पारदर्शी होता है। इसके अलावा इसकी जो पैराइटल लेयर होती है, अंदर वाली जो वॉल होती है जिसको हम पैराइटल लेयर कहते हैं, उसके बीच में मतलब दो मेम्ब्रेन होती है, उन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में इसमें क्या भरा रहता है? पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा रहता है, पेरिकार्डियम फ्लूइड जो होता है वो भरा रहता है। ठीक है, पेरिकार्डियम फ्लूइड भरा रहता है, और उस पेरिकार्डियम फ्लूइड का काम क्या होता है? शॉक से बचता है, जो आउटर शॉक होता है उनसे ये प्रिवेंट करता है। आउटर शॉक जो लगते हैं, बाहरी आघात जो लगते हैं, उनसे ये हार्ट को बचाने का काम करता है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को हम इसके साथ साथ में ही देखते हैं। अच्छा, जो रैबिट होता है, रैबिट का साइंटिफिक नेम होता है, इसको हम बोलते हैं ऑरिक्टोलोगस, ऑरिक्टोलेगस। ठीक है, ऑरिक्टोलेगस रैबिट का साइंटिफिक नेम क्या होगा? ऑरिक्टोलेगस। अब हम सीधी बात करते हैं इसके एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के ऊपर, तो जिसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे इसका वेंट्रल व्यू। कौन सा व्यू देखेंगे हम? इसका वेंट्रल व्यू देखेंगे। ये है इसका वेंट्रल व्यू, और दूसरा इसका डॉर्सल व्यू। तो अगर जब हम वेंट्रल व्यू की बात करते हैं, तो वेंट्रल व्यू के अंदर हमें क्या दिखाई दे रहा है? ये देखो, डायग्राम के अंदर हमें क्लियरली शो हो रहा है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला कौन सा है? ओरिकल वाला पोर्शन है। ठीक है, ये राइट ओरिकल है। इधर वाला ये जो है, ये वाला कौन सा है? ये है लेफ्ट ओरिकल। कौन सा होगा ये? ये होगा लेफ्ट ओरिकल। ठीक है,
नीचे की तरफ हमें क्या दिखाई दे रहा है, नीचे की तरफ हमें दिखाई दे रहा है वेंट्रिकल, वेंट्रिकल ये इस तरह से। हमने एवीज के अंदर मतलब कोलंबा के अंदर देखा था, तो कोलंबा के अंदर हमें ये क्लियरली आइडेंटिफाई नहीं हो रहा था, बीच में हमें सेप्टम जो होता है वो सेप्टम नहीं दिखाई दे रहा था। लेकिन इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर ये देखो ये जो लाइनिंग है, ये लाइनिंग क्लियर क्या कर रही है, सेप्टम का काम कर रही है। मतलब हमें बाहर से भी चार चैम्बर कम्प्लीटली दिखाई दे रहे हैं। ओके, तो यही डिफरेंस आता है कि जो एवीज होते हैं, एवीज और मैमल्स दोनों के हार्ट तो फोर फोर चैम्बर के होते हैं, बट इट कान वी कांट सी प्रॉपरली फोर चैम्बर फ्रॉम इट्स आउटर एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, आउटर स्ट्रक्चर से हम उसको क्लियरली डिफाइन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये हो गया राइट वेंट्रिकल वाला पोर्शन और ये वाला हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल वाला पोर्शन। अब ये जो इनके बीच में ये जो सेप्टम बना हुआ है, तो वेंट्रिकल के बीच में है तो वो कौन सा सेप्टम होगा, वेंट्रिकल के बीच में होगा वेंट्रिकुलर सेप्टम। कौन सा सेप्टम होगा, वेंट्रिकुलर सेप्टम। और ऑरिकल के बीच में होगा तो कौन सा होगा, ऑरिकुलर सेप्टम। कौन सा होगा, ऑरिकुलर सेप्टम, ऑरिकुलर सेप्टम। ठीक है, अब हम बात करते हैं तो ओरिकल के अंदर क्या हो रहा है, यहाँ पर कैवल्स जो होती है वो कैवल्स आकर के खुलती है। क्या खुलती है, कैवल्स आकर के खुलती है। कौन कौन सी कैवल खुलती है उसको हम देखते हैं। ये देखो ये जो दो हमें दिखाई दे रही, ये वाली कौन सी है, ये वाली है प्री कैवल्स। ये प्री कैवल्स क्या करती है, ये प्री कैवल्स ब्लड को लाने का काम कर रही है। कहाँ पर ब्लड को लाएगी, ये लाती है ओरिकल के अंदर। कहाँ पर लेके आएगी ब्लड को, ओरिकल के अंदर प्री कैवल्स ब्लड को लाने का काम करती है। ओके, और उसके बाद में अगर हम लेफ्ट ओरिकल की बात करें तो लेफ्ट ओरिकल के अंदर हमें ये क्या दिखाई दे रही है, ये हमें पूरी की पूरी पल्मोनरी अरोटा दिखाई दे रही है। क्या दिखाई दे रही है, पल्मोनरी अरोटा। ठीक है, लेफ्ट वाले में क्या पाई जाएगी, हमेशा पल्मोनरी अरोटा, और राइट वाले के अंदर प्री कैवल्स हमें देखने को मिलती है। फिर हमें जो देखने को मिलता है तो वेंट्रिकल से जो होती है वो अरोटा निकलती है, आर्क जो निकलती है। ठीक है, हम आर्क बोल सकते हैं। तो ये क्या है, ये आर्क निकल रही है, ये जो डैश डैश वाली स्ट्रक्चर है, ये वाली कौन सी, ये अरोटा है। ये कौन सी अरोटा, ये है डॉर्सल अरोटा। कौन सी अरोटा है, ये डॉर्सल अरोटा। कभी कभी इसको सेप्टम समझ लिया जाता है, बट ये सेप्टम नहीं है, ये कौन सा है, ये है डॉर्सल अरोटा। ठीक है, सेप्टम इसके बीच में जो ये पर्पल कलर की मैंने जो लाइनिंग बना रखी है वो है इसका सेप्टम। ये इसके डॉर्सल अरोटा, और इसके साथ में जो ऊपर की तरफ इसके अंदर जो आर्क निकली हुई है, तो उन आर्क में ये आर्क कहाँ से निकली हुई है, ये वेंट्रिकल से निकली हुई है। ये सारी की सारी कहाँ से निकली हुई है, वेंट्रिकल से निकली हुई आर्क है। कौन कौन सी आर्क होती है, राइट कॉमन कैरोटिड आर्क होती है और लेफ्ट कॉमन कैरोटिड आर्क। ये वाली राइट कॉमन लेफ्ट कॉमन कैरोटिड, ये वाली राइट कॉमन कैरोटिड। साथ ही साथ में ये जो थर्ड वाली जो निकली है, ये वाली कौन सी है, राइट सब क्लेवियन आर्क। ठीक है, या फिर इसको सब क्लेशन आर्क भी बोलते हैं। लेफ्ट सब क्लेवियन भी निकली हुई है, साथ ही ये जो बड़ी वाली जो निकली हुई, जिससे ये राइट कॉर्कोइड जो कैरोटिड वाली जो है, तो राइट कैरोटिड और लेफ्ट वाली कैरोटिड और राइट सबक्लेशन और लेफ्ट सबक्लेशन जो है, ये किससे निकल रही है, ये इस मेन कार्टिकोसिस्टमिक अरोटा से निकल रही है। किससे निकल रही है, ये इस बड़ी वाली से। ठीक है, यही आगे जाकर के सब आर्क के अंदर या सब आर्टरीज के अंदर डिवाइड हो रही है। तो ये जो बड़ी वाली है मेन जो है, इसको हमने बोला है कार्टिकोसिस्टमिक अरोटा। क्या बोला इसको हमने, कार्टिकोसिस्टमिक अरोटा। और ये आगे जाकर के दो तो कैरोटिड बनाएगी और दो सबक्लेवियन बनाती है। ठीक है, साथ ही साथ ओरिकल के अंदर प्री कैवल के साथ में एक और जुड़ी होती है, जिसको हम नाम देते हैं पोस्ट कैवल। ये पीछे की तरफ ये वाली जो है, ये वाली कौन सी है, पोस्ट कैवल। ठीक है, ये तीनों जो होती है, दोनों प्री कैवल्स, एक राइट प्री कैवल, एक लेफ्ट प्री कैवल और एक पोस्ट कैवल, ये तीनों क्या करती है, ब्लड को कहाँ पर लेके आती है, ये तीनों ब्लड को लेके आती है ओरिकल के अंदर। वो भी कौन से ओरिकल के अंदर, इन तीनों से ब्लड आएगा, इससे आएगा,
इससे आएगा और इससे आएगा, ये कहाँ पर आएगा, राइट ऑरिकल के अंदर आता है, ठीक है। तो ये तो हमने केवल डायग्राम के अंदर हमें वेंट्रल व्यू में क्या क्या दिखाई दे रहा है वो हमने देख लिया। वेंट्रल व्यू के अंदर हमें डायग्राम में जो जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है वो देख ली। अब हम बात करते हैं इसमें कौन सा लार्ज होता है कौन सा स्मॉल होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑरिकल्स की। सबसे पहले हम किसकी बात करेंगे, ऑरिकल्स की। ऑरिकल्स को हम हिंदी में बोलते हैं आलिंद, ठीक है। आलिंद होते हैं ऊपर की तरफ वाले जो होते हैं वो कौन से हो गए, ऑरिकल हो गए। ये ऑरिकल जो होते हैं ये वेंट्रिकल की कंपेयर में क्या होता है, स्मॉल होते हैं। ऑरिकल और वेंट्रिकल का अगर बोले हम तो वेंट्रिकल की कंपेयर में क्या होंगे, ऑरिकल की साइज जो होगी वो क्या हो जाएगी, स्मॉल हो जाएगी, ठीक है। और वेंट्रिकल जो होते हैं वेंट्रिकल क्या हो जाते हैं, बड़े हो जाते हैं। वेंट्रिकल की साइज कैसी हो जाती है, वेंट्रिकल की साइज लार्ज, ठीक है, कंपेयर देन ऑरिकल। नीले की साइज जो होती है वो बड़ी होती है। अब ये वेंट्रिकल जो होते हैं वेंट्रिकल में भी दोनों में डिफरेंस होता है। इसके अंदर जो दोनों वेंट्रिकल होते हैं, एक होता है लेफ्ट वेंट्रिकल, दूसरा होता है राइट वेंट्रिकल। तो जो राइट वाला जो वेंट्रिकल होता है वो लेफ्ट वाले से थोड़ा छोटा होता है। राइट वाला जो होगा वो क्या होगा, ये थोड़ा छोटा होगा, ठीक है। राइट वाले वेंट्रिकल की साइज स्मॉल होती है जबकि लेफ्ट वाले की थोड़ी सी बड़ी होती है, लार्ज होती है। इनके बीच में क्या होता है, इनके बीच में सेप्टम पाया जाता है जो मैंने आपको बताया था, जिसको हम वेंट्रिकुलर सेप्टम के नाम से जानते हैं। ये क्या करती है, ये एक ग्रूव के रूप में दिखाई दे रही है हमें। जो पर्पल कलर वाली जो ये लाइन दिखाई दे रही है, ये वाली कैसी, ये ग्रूव के रूप में हमें दिखाई देती है, ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं तो राइट वाला जो वेंट्रिकल होता है, राइट वाला जो वेंट्रिकल होता है ये ज्यादा मस्कुलर होता है, और ये ज्यादा इसके अंदर क्या पाई जाती है, मसल्स के साथ साथ में थोड़ा सा हम बोल सकते हैं डेंस स्ट्रक्चर जो होती है, सघन जिसको हम बोलते हैं, या थोड़ा ज्यादा स्ट्रांग हम बोल सकते हैं। राइट वाला वेंट्रिकल जो होगा ये कैसा होता है, ये मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। कैसी होगी, मस्कुलर स्ट्रक्चर होती है। मस्कुलर स्ट्रक्चर इन द सेंस क्यों होती है, रीजन क्या है, क्योंकि जो राइट वाला जो वेंट्रिकल होता है, इस राइट वाले वेंट्रिकल से क्या करना होता है, सॉरी राइट नहीं, लेफ्ट वाला वेंट्रिकल जो होता है वो ज्यादा मस्कुलर होता है, मोर मस्कुलर, ठीक है। लेफ्ट वाला जो होता है वो मोर मस्कुलर होता है और ये लेस मस्कुलर होता है। राइट वाला जो होगा वो क्या होगा, लेस मस्कुलर। लेफ्ट वाला जो होगा वो ज़्यादा मस्कुलर होगा। रीज़न क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, सप्लाई ब्लड इन होल बॉडी। यहाँ से लेफ्ट वाला जो होता है वहाँ से होल बॉडी के अंदर ब्लड जाता है, सप्लाई ब्लड इन होल बॉडी, ठीक है। क्योंकि मेन जो अरोटा जो निकली होती है वो कहाँ से निकली होती है, वो लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से ही निकली होती है। अगर हम डायग्राम के अंदर देखें तो ये वाला लेफ्ट वाला, यहीं से ये क्या निकली हुई है, ये देखो ये डॉर्सल अरोटा निकली हुई है, कहाँ से, ये लेफ्ट वाले वेंट्रिकल से निकली हुई है, ठीक है। ये ऊपर की तरफ लेफ्ट वाले ऑरिकल से होते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलती है। तो ये क्या करती है, ये डॉर्सल अरोटा क्या करेगी, ये पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करती है। अब तक हमने देखा था जो अरोटिक सिस्टम, तो सब जगह पर बॉडी के हर एक पार्ट के अंदर जो ब्लड का सप्लाई हो रहा था वो कैसा हो रहा था, वो किसके थ्रू हो रहा था, वो हो रहा था इस डॉर्सल अरोटा के थ्रू, जिसके अंदर ये इंटेस्टाइन, किडनी, इसके अलावा और भी दूसरे जो पार्ट्स होते हैं उन सारे के सारे पार्ट्स तक ये ब्लड को सप्लाई करता है। तो वो किससे निकली होती है, वो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकली होती है। डॉर्सल अरोटा पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई करने का काम करती हैं और ये डॉर्सल अरोटा निकली होती हैं लेफ्ट वेंट्रिकल से। इसीलिए लेफ्ट वेंट्रिकल को थोड़ा सा स्ट्रांग होना पड़ता है, थोड़ा सा मस्कुलर स्ट्रक्चर, क्योंकि यहाँ से जब पूरी बॉडी में ब्लड को सप्लाई किया जाता है तो उसके ऊपर फोर्स बहुत ज़्यादा लगता है। क्या लगेगा इसके ऊपर, फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा। अगर इसकी वॉल जो होगी अगर वो थिन होगी और इसके ऊपर फोर्स ज़्यादा लगेगा तो इसकी वॉल डैमेज होने के चांसेस
रहते हैं या फिर प्रॉपर ब्लड की सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए इसके अंदर थिक वॉल पाई जाती है, मस्कुलर वॉल पाई जाती है। जबकि अगर हम राइट वेंट्रिकल की बात करें तो राइट वेंट्रिकल से क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लड जो होगा वो कहाँ पर जाएगा, लंग्स में जाएगा। कहाँ पर जाएगा ब्लड, लंग्स के अंदर जाता है। ठीक है, इसका लेस मस्कुलर होने का रीजन क्योंकि सप्लाई ब्लड ओनली इन लंग्स, ये क्या करता है सिर्फ और सिर्फ लंग्स तक ही भेजता है, सप्लाई ब्लड ओनली इन लंग्स, सिर्फ और सिर्फ ये क्या करेगा लंग्स तक ही भेजेगा। क्योंकि हम देखते हैं कि जो राइट वेंट्रिकल से होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है जो कि पूरी बॉडी से होकर के राइट वेंट्रिकल में आता है, फिर ये वापस लंग्स तक भेजेगा जहाँ पर उस ब्लड को प्योरीफाई किया जाएगा, ऑक्सीजनेटेड में कन्वर्ट किया जाएगा। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि मस्कुलर जो होता है वो कौन सा होता है, तो मस्कुलर कौन सा होता है, वो लेफ्ट वाला होता है। रीज़न क्योंकि इससे पूरी बॉडी में ब्लड सप्लाई होता है। ऑरिकल की हम बात करते हैं तो ऑरिकल के लिए मैंने आपको बता ही दिया है कि ऑरिकल के लिए क्या होगी, तीन प्री कैवल्स होती है जो ऑरिकल में ब्लड को लाती है। कहाँ से ला रही है, बॉडी से ला रही है। ठीक है, पोस्ट कैवल प्री कैवल्स जो होती है दोनों ये बॉडी से ब्लड को लेके आती है। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर जाता, राइट ऑरिकल के अंदर जाएगा। कहाँ पर जाएगा, राइट ऑरिकल के अंदर। लेफ्ट वाले ऑरिकल में क्या होती है, सिर्फ और सिर्फ पल्मोनरी अरोटा होती है और ये पल्मोनरी अरोटा क्या करती है, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आती है। क्यों, क्योंकि ऑरिकल में लाएगी तभी तो ये लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में ट्रांसफर होगा और लेफ्ट वाले वेंट्रिकल में जाएगा तभी वो डॉर्सल अरोटा के अंदर जाएगा। ठीक है, और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर ये जो पूरा डॉर्सल अरोटा जो फिर है ना, फिर ये आगे क्या करती है, पूरी बॉडी के अंदर जब ब्लड को सप्लाई करती है तो ये जो ऊपर की तरफ आपको आर्टरीज बताई है, कैरोटिड आर्टरी वगैरह, तो इस पूरे को क्या बोला जाता है, इसको पूरे को बोला जाता है कैरोटिको सिस्टमिक अरोटा, ये कैरोटिको सिस्टमिक अरोटा। अब हम इसका डॉर्सल वाला व्यू भी देख लेते हैं। डॉर्सल वाला व्यू कैसा होता है, पीछे से अगर हम देखते हैं तो डॉर्सल व्यू हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है। डॉर्सल व्यू होता है ये, यहाँ पर मैं ओरिकल का लिख देती हूँ, ओरिकल, ओरिकल सेम राइट ओरिकल और लेफ्ट ओरिकल। ठीक है, इसमें क्या आकर के खुलेगी, प्री कैवल एंड पोस्ट कैवल। प्री कैवल कितनी होती है, दो, और एक जो होती है वो होती है पोस्ट कैवल। लेफ्ट के अंदर क्या होता है, पल्मोनरी अरोटा। ये प्री कैवल्स क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है। कौन से ब्लड को कैरी करेगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कैरी करती है। कहाँ से लाती है, फ्रॉम बॉडी, बॉडी से ये लेके आती है। पल्मोनरी अरोटा जो होती है कौन सा ब्लड लाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड लाती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये लेके आती है। कहाँ से लेके आती है, लंग से, फ्रॉम लंग्स। ठीक है, लंग से ये ब्लड को लेके आती है। तो हम इसका डॉर्सल व्यू अगर देखते हैं, फर्स्ट दृश्य मतलब डॉर्सल व्यू, तो इसके डॉर्सल और वेंट्रल व्यू जो होता है उसमें कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं पाया जाता है। केवल हमें जो इसकी अरोटा जो होती है वो केवल क्लियर दिखाई देती है। तो हम बात करते हैं ये कौन सी है, ये लेफ्ट प्री कैवल है। कहाँ करके खुल रही है, ओरिकल के अंदर, लेफ्ट ओरिकल के अंदर ये खुल रही है। सॉरी, लेफ्ट प्री कैवल, लेफ्ट ओरिकल में नहीं, ये आगे जाकर, ये देखो ये जो है ये पीछे तक ये कंटिन्यू ऐसे बनी हुई है, ये पीछे की तरफ आ रही है। ठीक है, ये जाकर के कहाँ पर खुलेगी, राइट वाले ओरिकल के अंदर। प्री कैवल किस में खुलेगी, राइट वाले ओरिकल के अंदर। ये इसको शो किया हुआ है लेफ्ट साइड के अंदर, बट ये राइट वाले ओरिकल की ही लेफ्ट साइड में। ठीक है, तो ये आकर के कहाँ खुलेगी, राइट ओरिकल के अंदर आकर के खुलेगी। ये है राइट प्री कैवल,
जो राइट ऑरिकल में, और साथ ही साथ ये तीसरी जो आ रही है, ये वाली कौन सी आ रही है, ये आ रही है पोस्ट कैवल, ठीक है, ये भी कहाँ पर राइट ऑरिकल के अंदर आकर के खुल रही है। लेफ्ट वाले के अंदर कौन आकर के खुल रहा है, लेफ्ट वाले में सिर्फ और सिर्फ ये पल्मोनरी वेन आकर के खुल रही है, जो पल्मोनरी वेन क्या कर रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है, किसको लेके आ रही है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही है। ऊपर की तरफ जो वेंट्रिकल्स है, तो इन वेंट्रिकल से क्या निकला हुआ है, इसे अरोटिक सिस्टम निकला हुआ है, ये है लेफ्ट अरोटिक आर्क, ठीक है। साथ ही साथ इसके अंदर क्या है, डक्टस एट्रोसस। तो रैबिट के वेंट्रल और डॉर्सल व्यू के अंदर कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ब्लड का सप्लाई जो होता है वो इसके इंटरनल स्ट्रक्चर के अंदर हम देखेंगे कि किस प्रकार से ब्लड का सप्लाई हो रहा है, और साथ ही साथ इंटरनल स्ट्रक्चर के अलावा हम इसके अरोटिक सिस्टम को भी देखेंगे कि अरोटिक सिस्टम में कैसे, मतलब हार्ट से बॉडी के अंदर ब्लड जो है वो कौन कौन सी आर्टरीज के द्वारा कहाँ कहाँ पर सप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, उसको हम देखेंगे। उसको हम अरोटिक सिस्टम के अंदर देखेंगे। थैंक यू।